खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। दिन 28 सितंबर 2021 आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, मैं हूं नवीद खान। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से है। पूरे प्रदेश में सरकार के आदेश अनुसार लोगों को यातायात नियमों का पालन हेतु एक अभियान चल रहा है, जिसमें पुलिस लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में समझा रही है और जो लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी कर रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान हुआ तो एक परिवार ने आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसको पुलिस कर्मियों ने बमुश्किल तमाम काबू किया। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह पुलिस कर्मियों से ये परिवार झगड़ रहा है। यह नियमों का उल्लंघन भी करेंगे और उस पर पुलिस को एक्शन करे तो आत्मदाह की धमकी। मामला 16,000 के चालान को लेकर है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज ये परिवार ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह करने का प्रयास कर रहा था। गौरतलब है कि आजकल नई गाड़ियों में मॉडिफाइड अजीब तरह की आवाजों वाले साइलेंसर्स और हॉर्न्स इन गाड़ियों में लगे होते हैं, जिनसे कई बार दुर्घटना होने का खतरा होता है या दुर्घटना हो भी जाती है। इस तरह की आवाज अक्सर सड़क पर चल रहे लोगों की परेशानी का सबब भी बनती है। इस तरह की रोकथाम क्या जरूरी नहीं है? क्या सड़क पर चलते हुए अपने वाहन की अजीबोगरीब आवाजों से इन लोगों को परेशान करना क्या सही है? ये बड़ा सवाल है। और अगर पुलिस ने चालान कर दिया तो आत्मदाह की कोशिश कर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सही है? बात है पूरी घटना पर एसपी सिटी विनीत भट्टागर क्या कह रहा है ये देखिए। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज़ से नवीद खान की रिपोर्ट। कटा बुलेट चीज हुई, इसके बाद उनके परिजनों ने पहले एसपी ट्रैफिक में फिर कमिश्नर स्तर पे हंगामा कर टेला। पुलिस इस पे क्या कर रही है? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि ये एक अभियान चल रहा है और ये जो मॉडिफाइड साइलेंसर्स वाली मॉडिफाइड तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं, जिनसे कई बार ऐसा हुआ है कि एक्सीडेंट्स भी हुए हैं और ये जानबूझ के कुछ लोगों के पास जा करके उनको परेशान करते हैं इस प्रकार के साइलेंसर्स वगैरह से आवाज़ें निकाल के, फायरिंग जैसी आवाज़ होती है। तो इसके लिए एक अभियान चल रहा था, प्रदेशव्यापी अभियान है। यहाँ पर भी बड़ी सख्त कार्रवाई की गई। कल भी परसों आपको मालूम होगा पूरे सारे फोर्स को ऑल आउट करके भी जो है ये कार्रवाई की गई थी। इसी में कुछ लोग पुलिस के इस अभियान को हतोत्साहित करने के लिए और पुलिस अपनी कार्रवाई ना कर पाए, इसमें जो है तमाम तरह के एंगल्स लेकर के आ रहे हैं। कुछ लोग उकसा रहे हैं और कुछ लोगों ने आकर के आज भी ये किया, एसपी ट्रैफिक साहब के ऑफिस में आकर के हंगामा किया, इस चालान के संबंध में तमाम तरह की दलीलें दी और उसके बाद जब वहाँ पर उनको सफलता नहीं मिली तो फिर जा करके अनुचित प्रभाव करने के लिए, लोक सेवकों को भयाक्रांत करने के लिए इन्होंने सिविल लाइन्स के कमिश्नरी चौपले पर आकर अपने शरीर पर मिट्टी का तेल या कुछ ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास किया, जिसको वहाँ पर मौजूद पुलिस के द्वारा जो है रोका गया। इसके संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो पूरी घटनाक्रम है उस पूरी जानकारी उसकी हो गई है, इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ? देखिए, इसमें 3 लोगों के बारे में तो जानकारी मिली है जो इस समय आत्मदाह का प्रयास करने में शामिल थे और उनको उकसाने वाले लोगों के बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं। उकसाने वाले लोगों के बारे में भी जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार का कोई भी जो न्यूसेंस पैदा करने वाले लोग हैं उनको उनके प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई जाएगी। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर।